वहोरातरे पार्श्वे नखचरानिभ्यां तं स्नान्निखान् मुं इखान् सर्वालोकं मइखान्। हरि ओम ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्या नमः। ओम महेश्वराभ्या नमः। ओम हिरण्यगर्भाभ्या नमः। ओम श्री पुरंदराभ्या नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणाधिपतये नमः। सुम्मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ध्रुमकेतुर्गणाधगजो बालचन्द्रो गजाननः द्वादिशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विहनस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो वरदान्तये। अभिसिद्धार्थ सिद्धरतः पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिते शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनु हरि। तदेव लग्नां सुदिनां तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृणुयात् स्मरामि। लावस्ते साम जिहस्ते साम कुदस्ते साम पराजय हे साम इंद्रवरस्याम हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो जनूर्धन तत्र सीन विजयोर भूति ध्रुवानी तिरमति मम आनंद्या सिंदयन्तो माये जन परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महामयम्। अस्मिते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमसं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। सर्वेषु आरम्भकार्येषु त्रस्त्री भुवनेश्वरा देवादि सन्तुना सिद्धि ब्रह्मेशा जनार्दना विश्वे सम्माद ममरुण्यं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहां गंगा भवानी मतिकरणिकम् वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकम कुरुं वान ब्रह्म विष्णु महेश्वरम सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकामार्थ सिद्धये वागरता विवस प्रिक्त वागरता प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो विघ्नेश्वराय वरदा यसुराप्रियाय लम्बोदराय सकला यजगद्धृताय नागाननाय श्रुतिय ज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथनमो नमस्ते। यास्रे स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी
पापात्मनाम कृत दिया मुनिदय सुबुद्धि श्रद्धा सताव कुल जाना प्रभवस्य लज्जा तम त्वम नतास्म परिपा लय देवी विश्व ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवि तरा सरस्य ओम रोगान शेषान वहन्ति दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भ्रष्टा त्वामाश्रितानां हरिवरणानां त्वामाश्रिताः श्रयतां प्रयान्ति ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वादिष्ट शांतिर्भवतु अयम आरंभाय भवतु शुभारंभाय भवतु ओम 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 मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रियंताम नमः नमस्करोमि। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतम सुमानी समर्पयामि घंटस्थ गरुड़ाय नमः। दियो हाथ में को फूल लियो। घंटासुलहलानि संघमुसले चक्रधनुसायक हस्ताब्जेर्दधतीं घनान्तविलसा चितां सुतुल्य प्रभा गौरी देह समूर्मवंत्री जगता मादार भूता महा पूर्वा मात्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि घंटस्थ गरुड़ाय नमः। घंटी तीन बेर बजाबू। रख दियो फेर लियो फूल अक्षत चंदन। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीप लग छेड़ दियो दीपस्थ देवता यही नमः। हाथ में को फूल लियो। भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी अवघन कृत जावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम स्वस्थिरो भव। दीप लग फूल दो दियो। प्रियंताम नमः नमस्करोमि दो के प्रणाम करी। फेर लियो फूल अक्षत चंदन। ओम ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जल मद दियो। वरणाद्यावाहित देवता भ्यो नमः। वरुण देवता आवाह्यामि स्थापयामि पूजयामि। जल के तीन बेर घुमाओ। गंगे च जमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिम् गुरु। अर्घास कनि जल हम दो दियो। अक्षत लिया। ओम भूर्भुवस्व श्री सूर्यादि पंचदेवता यहाँ गच्छत यतिष्ठत। तीन बेर जल दियो घंटी बजाय के। एतानि पाद्यर्घाच मन्यानि अस्तानि पुरुराच मन्यानि श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। एतानि पाद्यर्घाच मन्यानि अस्तानि पुरुराच मन्यानि श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः।
एतानि पाद्यर्घाचमन्यानि अस्नानि पुनरात्मन्यानि श्री सूर्य आदि पंच देवता भ्योर्मा कहीं फूल में चंदन लगा लियो। इदमनुलेपन ओम भोर्भुवस्व श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। अक्षत दियो इदमक्षतम श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। फूल दियो इदम पुष्पम श्री सूर्यादि पंचदेवता भ्यो नमः। दुर्वादल दियो कांडात कांडात परोहंति परुकस्पारी एवानो द्रुवेन सहस्रेण सतेन च दुर्वाकुलान समर्पयामि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। बेलपत्र दियो नमो नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वरविने च वरुतिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च। बेलुपत्रम समर्पयामि श्री सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जल लियो विद्यानि श्री सूर्य आदि पंच देवताभ्यो नमः। निचाम जल दियो इदमात्मन्यम सूर्य आदि पंच देवताभ्यो नमः। हाथ में को फूल लियो ओम जगये न जगे मजंत देवास्तानि धर्मानि वर्तमान्य सन्ना देहना का महिमान स्थंदर पूर्वे साध्या संति देवाः। मंत्र स्पांजलि समर्पयामि श्री सूर्य आदि पंच देवताभ्यो नमः। ज्योति लियो ज्योतिलियो एते जपतिला ओम भोर्भुवस्व भगवान विष्णु यहाँ गच्छयो तिष्ठ। तीन बेर जल दियो घंटी हो जाकर एतानि पाद्यर्घाचमन्यानि अस्नानि पुनरात्मन्यानि भवति श्री विष्णवे नमः। एतानि पाद्यर्घाचमन्यानि अस्नानि पुनरात्मन्यानि भवति श्री विष्णवे नमः। एतानि पाद्यर्घाचमन्यानि अस्नानि पुनरात्मन्यानि भवति श्री विष्णवे नमः। फूल चंदन लगाक इदमनु लेपनम भगवते श्री विष्णवे नमः। इदमनु लेपनम भगवते श्री विष्णवे नमः। एते जवतिला ज्योतिल भगवते श्री विष्णवे नमः। फूल दियो इदम पुष्पम भगवते श्री विष्णवे नमः। इदम दुर्वादलम भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं बेल्लुपत्रं भगवते श्री विष्णवे नमः। इदं तुलसीपत्रं सौचंदन चंदन लगाक भगवते श्री विष्णवे नमः। जल्य एतानि गंध पुष्प धूप दीप तंबूल यथा भाग नाना विध नैवेद्यानि भगवते श्री विष्णवे नमः। निचाम जल्दियो इदं आत्मन्यं भगवते श्री विष्णवे नमः। हाथ में को फूल लियो ओम विष्णु रडाटमस विष्णु सप्रेस्तो विष्णु श्योरस विष्णु द्रुवोसि वैष्णवमस विष्णवेत्वा ओम शांताकारं भुजग शयन पद्मनाभम सुरेश्व विश्वाधारनु गगन सदृश मेघवर्ण स्वभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयन योगवेदाम गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरनम सर्वलोकैकनाथम। ओम मंत्रस्पांजलि समर्पयामि भगवते श्री विष्णवे नमः। प्रियंताम नमः नमस्करोमि दोके प्रणाम करी भगवान विष्णु के। हाथ में पान लियो पान के पत्ता लियो कहीं ज्योतिल दियो किचु के द्रव लियो कहीं जल दियो
वैव स्वत मनुमंतरे अष्ट विंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे नेपाल देशे इनरवा ग्रामे इनरवा टोले परिगस्त राम जानकी मंदिर प्रांगणे इनरवा स्थित मासानाम मासोत्तमे चैत मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ परिगस्त सुख वृद्धि अर्थम धन वृद्धि अर्थम पाप नाशर्थम च लोभ नाशर्थम च राग द्वेष नाशर्थम च सकल इनरवा ग्रामे सुख्यर्थम च मम श्री राम कथा च पाठाम महमा द्वितीय दिवस्य पूजाम महमा करिष्ये सुखवृद्धि अर्थम धनवृद्धि अर्थम चतुर्थ फल प्राप्यर्थम च महम श्री शर्माहम द्वितीय दिवस्य पूजाम महम करिष्ये आरिष्ये हरि ओम ओम संकल्पितार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः सत्तुना बुद्धिना स्वस्तु मत्तानामुदीरस्तव ओम 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 आसन्तोर्मजोल हरेली ओम शक्राय नमः नेत्र में उज्ज्वल कर लगे अली माता जी हूँ द्रव्य क्रोध समाकुला संगम चक्रम गदम शक्ति मलम च मुसलायुधम खेटकम दोमरं जैव परसुम पासमेव च कुंतायदंत्रशूलं च सारंगमायतमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धारयन्त्यवधानित्थं देवानां च हितायवे नमस्तेस्तु मा रुद्रे मा गौरवराग्रमे मा बले मोत्साये मा वैनाशनेत्राय मां देवी दृष्पक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्रत्यं रक्षतु मामेन्द्रियग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवद्वाराहे नैरित्यां खड्गधारिणी प्रतिच्छां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्छां पादकौमारे ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् धस्ताद विष्णवे तथा एवं दिशो रक्षेत् चामुण्डा सौवाहना जया मे जगदवादो अजितावाम पार्श्वे तु दक्षिणे च वराजित शिखाद्योतने रक्षे मर्दन व्यवस्था मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्ष यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके में ये ध्वनि पहुंचाई जा रही है जैसा कि आप पूर्व विदित कि नवरात्र के शुभ पावन पुनीत शुभ अवसर पर आज Chori Mari Jehne Kishori Mari Aate hain de Kishore hai Didina Banaval Jodi विधिना बनावल जोड़ी
केहने बेजोड़ हे विधि ना बनावल जोड़ी केहने बेजोड़ हे विधि ना बनावल जोड़ी जेहने किशोरी मोरी जेहने किशोरी मोरी तेहने किशोरी हे बनावल जोड़ी विधिना बनावल जोड़ी कहने बेजोड़ है विधिना बनावल जोड़ी बदन घुमरल घटा घन घोर रे श्याम बदन श्याम बदन घुमरल घटा घन घोर रे घटा घन घोर रे बड़ा सुंदर प्रभु जी के सुंदरता के वर्णन की केहन सुंदर स्वरूप लगे छन जना सावन आ भादव महीना में खटाखोर बदरी इम है किशोरी मोरी इम है किशोरी मोरी पूनम अजोर हे इम है किशोरी पूनम अजोर हे एम है किशोरी मोरी खातिर जोगी मुनि वन में धरे जोग है जिनका खातिर जोगी जिनका खातिर जोगी जिनका खातिर जोगी मुनि वन में धरे जोग है वन में धर जोग सोई मोरा पाओ सोई मोरा पाओ ये श्याम चित चोर हे सोई मोरा पाओ ने राम चित चोर हे विधिना बनावल जोड़ी ज्योति बेजोड़ हे सरसो के कलीसिया ज्योति बेजोड़ हे ज्योति
सरस स्नेह वालू। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। सरस स्नेह बांधू बोला के रेशम के डोर हे सरस स्नेह रेशम के डोर हे सरस स्नेह चेहने किशोरी मरी चेहने किशोरी मरी तेहने किशोर तेहने किशोर विधि नाम बनावल जोड़ी विधि नाम बनावल जोड़ी केहने के जोड़ हे विधि नाम बनावल जोड़ी विधि नाम बनावल जोड़ी विधि नाम बनावल जोड़ी। प्रेम से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। आनंद 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 आप सपरिवार आमंत्रित हैं इस भव्य कथा के आयोजन में, अवश्य ही पधारें। श्री सिया जी बोली स्वामी कमाल हो गया। क्या बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। श्री सिया जी बोली श्री सिया जी बोली स्वामी कमाल हो गया। श्री सिया जी बोली स्वामी कमाल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। लाल रंग में देखा था क्या ऐसा इस लाल रंग में। लाली से लाल किया पूरे अंग लाली से लाल किया पूरे अंग। ये रंग था ऐसा रंग था ऐसा रंग था ऐसा ये रंग था ऐसा कि खुशहाल हो गया। ये रंग था ऐसा कि खुशहाल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। श्री सिया जी बोले सिया जी बोली सेवक तुझ साना प्यारा। श्री राम का सेवक तुझ साना प्यारा। मैया सिया जी का सबसे दुलारा। पाया
ऐसा धन पाया, ऐसा धन पाया, ऐसा धन कि माला माल हो गया, पाया ऐसा धन कि माला माल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। श्री सिया जी बोली स्वामी कमाल हो गया, श्री सिया जी बोली स्वामी कमाल हो गया। बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया, 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 बजरंगी लाल 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 हो गया, बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल। श्री सिया जी बोली स्वामी कमाल हो गया, बजरंगी लाल आज लाल लाल हो गया। लाल रंग अधिक प्यारा है। आइए, समय का थोड़ा सा अतिक्रमण हुआ है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तकनीकी खराबी की वजह से कुछ आज विलंब हुआ, बहरहाल गुरुदेव की आज्ञा सर आंखों पर हनुमान जी की चालीसा के माध्यम से हम आवाहन कर रहे हैं। वरुण रघुबर बिमल जसु जो दायक फल उचार, बुद्धि तनु जानी के सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनि पुत्र पवन सुतना, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, राम चंद्र जी के काज सवारे, डाय सजीवन लखन जिया है, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति गिन्नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोज जगावे, अच कही श्रीपति कंठ लगावे, सन्नादि के ब्रह्मादि मुनि सा, नारद शारद सहित अहिंसा।
शम कुबेर दिगपाल जहाते कभी को विधि कही सकय कहाते तुम पुकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाज राज पद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानो लील्यो ताही मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेरी रुगमाही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत गए जेते सुगम मनोग्रह तुमरे जेते राम दुआरे तुम रखबारे होत न आज्ञा बिनु बैसारे सब सुख न है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तेज समारोह पे तीनों लोग हाक देगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लाओ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा परसिद्धि जगत उजियारा के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता वस बर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुवर बुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख कराई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महनेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो प्रेम से बोलिए श्यामर रामचंद्र की अनंत बलवंत हनुमंत लला की परम पूज्य बाल व्यास श्रद्धेय श्री श्रवण दास महाराज की
इनके गुरुदेव स्वामी श्री मौनी बाबा की जय जय। मैं हे दुर्गे मैया बेटा कहिया दर्शन दे गे मैं बिजना के लिखल न चलो दुख में मानित रहलो हे दुर्गे मैया दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे गे मैं हे दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे सहारा तरसई नैनक तारा 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 तरसई नैनक तारा न हुई ये सहारा हे दुर्गे मैया हे दुर्गे मैया बेटा की कहिया तू दुलरे मैगे मैं हे दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे मैं बजबे माँ हम ककरा कहबे दुर्गे मैया दुर्गे मैया दुर्गे मैया माँ हम ककरा कहबे ककरा से रुसबे बजबे दुर्गे मैया हे दुर्गे मैया अपना हृदय से कहिया लगे मैं हे दुर्गे मैया अपना हृदय सो कहिया लगे Thank you.
जहिया सत्यागला हमरा भटकई छो बेटा पगला, जहिया जहिया सत्यागला, जहिया सत्यागला, जहिया जहिया सत्यागला हमरा भटकई छो बेटा पगला। हे दुर्गे मैया, हे दुर्गे मैया, अपना करे जम कहिया लगे मैगे में। हे दुर्गे मैया, अपना करे जम कहिया लगे मैगे में। विधिना के लिखल न जनलो दुख में माँ कालित रहलो, के लिखल न जनलो दुख में माँ कालित रहलो। हे दुर्गे मैया, हे दुर्गे मैया, बेटा के कहिया दर्शन दे। भगवती माता की इनरुवा ग्राम की, श्री राम कथा महोत्सव की जय जय सीताराम। तेरा साथ निभावाएगा, प्रभु के ऊपर में आस्था रखने की बात हो रही है इस भजन के माध्यम से कि आपका साथ निभाएगा। कब? तेरा साथ, तेरा तेरा साथ निभाएगा। कब? विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभाएगा प्रभु, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। कैसे
हाथ सर पर हाथ सर पर हाथ सर पर फिराएगा हाथ सर पर फिराएगा विश्वास जरूरी है हाथ सर पर फिराएगा आभास जरूरी है अभिनंदना 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 हाथ सर पर फिराएगा गुरुदेव की कृपा हो जाए पूज्य गुरुदेव के शुभ आगमन पर हाथ सर पर हाथ सर पर फिराएगा हाथ सर पर हाथ सर पर फिराएगा आभास जरूरी है आभास जरूरी है विश्वास जरूरी है विश्वास जरूरी है विश्वास जरूरी है विश्वास जरूरी है प्रेम से बोलते आनंद कंद भगवान की परम पूज्य श्री गुरुदेव स्वामी की आनंद अभी हम सब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी के आगमन भेले ना आ मानस जी की आरती होई छे सब आगमन आरती कर आरती श्री रामायण जी की कीर्ति के नित नित सिय पी आरती श्री राम
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान निशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद परनि पवन सुत की रतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कली ललित सियपी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छव शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छव शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारवंश सम्मति सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कई ललित सियपी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि ब्रज बखानी काग भुषुंडी गरुड़ कही की आरती श्री कलिमलहरनी विषय रस फीकी कलिमलहरनी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुपती की सुभग श्रृंगार मुक्ति जुपती की दलन रोग भव पूरी अमी की तात्मा को सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण आरती श्री राम आरती श्री राम माया प्रेम से बोलेंगे सभी लोग जय सियाराम जय सियाराम। आइए आज हम सभी भक्तजन कथा के द्वितीय पुष्प लेकर इस पंडाल में पधारे हैं। तदुपरांत हम श्री महाराज जी से आग्रह करेंगे अपने मुखारविंद से ये राम कथा का रसपान कराए और इकलिकाल में जीव को पार लगाए। हम सभी लोग एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए व्यास देव महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए श्री सर्वदास जी महाराज की जय। आइए हम लोग व्यास जी जय श्री राम जय श्री राम राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इसको सही करें। जय श्री राम जय श्री राम राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि श्यामांडवी उरमिला श्रुति कीर्ति परवाम चारि कुंवर चारिहु कुंवरे तुलसी करत प्रणाम सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुगपानि आये हनुमंत विराजी कथा करो मति अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारिये पवन कुमार पधारिये पवन कुमार परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मानंद नायक अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री सीताराम भगवान श्री रामचरित मानस महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जो महाराज कली पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपो मूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सदगुरुदेव भगवान मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी कृपया हमारे देह में कोई ना सटे इस चीज का ध्यान रखा जाए मेरे शरीर में कोई स्पर्श ना करे कथा पंडाल में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को मैं इस व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूं भगवान की परम कृपा के फलस्वरूप आज हम आप सभी नव दिवसीय राम कथा के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा भाव के द्वितीय पुष्प चढ़ाने के लिए बड़े प्रेम और भाव से सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान के सुंदर नाम का गायन करेंगे तत्पश्चात प्रभु की जैसे कृपा होगी कुछ देर भगवत चर्चा सब माइक को एक बार खोल करके चेक कर लीजिए बीच में ये आवाज जो हो रहा है नहीं होनी चाहिए सबको खोलिए एक बार सीताराम श्री सीताराम सब माइक खोलिए इनका स्टैंड वाला माइक दीजिए जय सीताराम जय
सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बोलिए पतित पावन नाम जो महाराज की जय श्री सीताराम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री तुलसीदास जो महाराज की श्री मोनी बाबा की इनर बावस्ती की सब संत भगवान की श्रोता समाज की जय जय सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव प्रेम से बोलिए जय सियाराम जय सियाराम भगवान के नाम में भगवान के जयकारा में कंजूसी नहीं चलेगी और आप जो बोलिएगा कि नहीं महाराज जी हम तो नहीं बोलेंगे तो जबरदस्ती बुलवाएंगे इसलिए पहले से ही सतर्क रहिए और इसमें हमारा कोई निजी फायदा नहीं है इसमें आपका ही फायदा है कैसे आपने देखा होगा गांव में घर में परिवार में जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके पालने में सुला देती है
लेकिन जब उस बच्चा को पुनः भूख लगती है तो बार बार चिल्लाने लगता है माँ 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 कह करके। माँ विचार करती है कि अभी अभी तो इस बच्चा को दूध पिला करके आई हूं, अभी इतना जल्दी इसको क्या हो गया, थोड़ा घर का काम संभाल लेती हूं फिर जा करके बच्चे को संभालूंगी। लेकिन जब वही बच्चा खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है तो चाहे लाख जरूरी के काम हो, माँ का हृदय वात्सल्य से उमड़ पड़ता है और उस बच्चे को ले जाकर के हृदय से लगा लेती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी विचार करते हैं, जब कोई धीरे धीरे जयकारा बोलता है जय हो जय हो जय हो, तो भगवान कहते हैं भैया केवल तुम, हमें और भी काम है, पहले उस काम को संभाल लो फिर तुम्हें जाकर के संभालूंगा। लेकिन जब कोई भगवान का भक्त जोर से जय हो ऐसे जयकारा लगाते हैं तो भगवान एक क्षण भी रुकते नहीं, दौड़ करके आते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग का उद्धरण किया है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, हे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि। तीर्थराज प्रयाग कौन कौन गए हाथ उठा करके बताइए। तो तीर्थराज प्रयाग जो प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है, अब भाई ये भी कहना पड़ेगा कि भारत में पड़ता है, क्योंकि कुछ देर के लिए तो हम ये भूल जाते हैं कि हम नेपाल आए हैं। भारत में जो इलाहाबाद है वही तीर्थराज प्रयाग है, और तीर्थराज प्रयाग की एक अपनी महिमा है। वहां तीन तीन नदियों का जल एक साथ रहते हैं, इसलिए उसका नाम है त्रिवेणी संगम। गंगा का जल, सरस्वती का जल और यमुना जी का जल, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना का जल तो दिखाई देता है लेकिन सरस्वती का जल लुप्त है, गुप्त है। उस तीर्थराज प्रयाग में एक बार श्री मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं बीएचयू के, वो गए तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने। अपने पंडा जी को बोले, जो जिसके पंडित होते हैं, अपने पंडा जी को जाकर के बोले कि हमको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना है। हम लोग जाते हैं तो संकल्प करते हैं ना, बिना संकल्प का स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपने पंडित जी से कहा कि पंडित जी शुद्ध शुद्ध संकल्प करवाइएगा, क्योंकि पंडित यदि विद्वान हो तब तो यजमान का कल्याण होता है, और यदि पंडित स्वयं विद्वान ना हो, शास्त्र का शब्द का ज्ञान ना हो, तो उस यजमान का कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि आनुष्ठानिक कर्म जो होता है, अनुष्ठान के साथ जो कर्म किया जाता है उसमें शब्द का बड़ा महत्व है। तो पंडित जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जब बार बार
श्री मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि शुद्ध शुद्ध बोलिएगा, शुद्ध शुद्ध बोलिएगा। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसे यजमान के चक्कर में आज पड़ गए। पहुंचे तीर्थराज प्रयाग के तट पर, जैसे जल में प्रवेश किए पंडित जी को रहा नहीं गया। पंडित जी ने कहा कि यजमान जी, जिस त्रिवेणी में आप प्रवेश किए हैं वहां की सरस्वती ही यदि गुप्त है लुप्त है, तो उस त्रिवेणी में शुद्ध और अशुद्ध का कौन विचार करे। मतलब जहां की सरस्वती ही गुप्त है वहां शुद्धता अशुद्धता का कौन ज्ञान रखे भाई। ऐसे तीर्थराज प्रयाग के तट पर श्री भरद्वाज ऋषि रहते हैं। माघ महीने में प्रत्येक वर्ष वहां महात्माओं का संगम होता है। आप पकड़े रहिए सूर्य को, तो आपका हाथ बंद कर दिया। याज्ञवल्क ऋषि से श्री भरद्वाज ऋषि ने कहा, नाथ एक संशय बर मोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सबका पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम है सबका पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। सब राम एक ही है, केवल चश्मा अलग अलग है। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे पानी का वैसा रंग दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार राम तो एक ही है, लेकिन भगवान को जब जैसा लीला करना हुआ तब भगवान ने वही रूप धारण कर लिया। कहते इसी प्रकार एक बार सती ने भगवान शिव से संदेह पूर्वक पूछा था। ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा, जो जगत की जननी है मां सती, क्या उनको भी संदेह हो सकता है? बोले हाँ। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय था। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, और द्वापर के बाद कलयुग आता है। हम लोग अभी कलयुग में हैं। त्रेता युग का समय था। भगवान शिव को एक बार कथा सुनने की इच्छा हुई, तो कहां चले? मेरे तरफ देखो, मैं क्या गाता हूं आपके बजाने से नहीं होगा, मेरे तरफ देखो। एक बार त्रेता युग माही, एक बार नियम है श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन यहां उल्टा हुआ। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए,
तो संग सती जग जननी भवानी। अकेले नहीं गए, संग में जगत की जननी मां सती भी थी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शिव और मैया पार्वती की पूजा करते हैं। नियम क्या है? नियम यह है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन आज उल्टी गंगा बहने लगी। वक्ता ही श्रोता की पूजा करते हैं। ये देख करके सती मैया के मन में संदेह हुआ, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले से ही हाथ पैर जोड़ रहे हैं। जिस महात्मा के पास हमारे शिव कथा सुनने आए हैं, ये तो पहले से ही हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। और भैया जिससे कथा सुन रहे हैं उसके प्रति यदि मन में निष्ठा नहीं होगी तो चाहे कितनी भी सुंदर कोई कथा कहे, कथा पल्ले नहीं पड़ने वाले। ये उनका वैशिष्ट है, ये उनका बरप्पन है। यदि कोई महान होकर के भी, श्रेष्ठ होकर के भी हमारा पैर छूता है, प्रणाम करता है, तो ये उनका बरप्पन है। वक्ता होकर के श्री अगस्त ऋषि ने भगवान शिव की पूजा की, यह विचार करके कि शंकर भगवान तो संसार के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और आज मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे आश्रम में आए हैं, तो ये मेरा भाग्य है। पैर पकड़ करके पूजा करने लगे। सती के मन में मोह हो गया, यहीं से मोह का जन्म होगा। जैसे संदेह होगा तो मोह उत्पन्न होता है। कथा प्रारंभ हुई, शिव जी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सती को समझ में नहीं आया। पूरी कथा हो गई, भगवान शिव सुनते रहे, लेकिन सती को कुछ समझ में नहीं आई। जब कथा पूरी हो गई तो नियम है कि जिससे कथा सुने हैं उसे दक्षिणा दी जाती है। शिव जी ने मन में विचार किया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, केवल भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जो सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े फक्कर है। उनसे बड़ा फक्कर कौन हो सकता है? पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन लोगों को देने के लिए खूब है। मन में विचार आया कि वक्ता वैरागी है, संत है, तो संत को भगवान से ज्यादा प्यारा क्या हो सकता है। इसलिए ऋषि पूछी, हरि भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि ने भगवान की कथा पूछी और शिव जी ने भगवान की कथा सुनाई, बड़े प्रसन्न हुए। मुनि सन विदा मांगी, त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब तुलसीदास जी के भाव को जरा देखिए। जब शिव जी के साथ सती आई थी तो क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी कह करके संबोधन किया। लेकिन जब जाने लगी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, बोले नहीं, जिसने कथा नहीं सुना, जिसको हमारे राम से प्रेम नहीं है, वो जगत की जननी नहीं हो सकती। जब जा रहे थे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर, इसी बीच एक घटना घटी। राम जी अपने पिता की बात को मान करके जंगल आए थे। रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम जी नाटक करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता।
पिता मृग नैनी हे खगर श्रेणी तुम देखी तामृग नैनी हे खग मृग है मधुकर श्रेणी हे खग राम जी लीला करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को रोते देख करके सती को मोह हुआ, पर राम जी के इस लीला को देख करके शिव जी को प्रेम हो गया। कैसा प्रेम? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव जी कहते हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी लीला बड़ी निराली है। एक ऐसे राजकुमार जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, उनको देख करके शिव जी ने प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी के नजर में राम जी ईश्वर है, राम जी भगवान है, पर सती के नजर में वो एक राजकुमार है। सती को बड़ा आश्चर्य लगा कि शिव जी ने एक राजकुमार को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद भगवान कह करके। लेकिन बेचारी करती क्या, सती ने शिव से पूछ ही दिया कि महाराज ये कौन है, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि। जिस राम को महात्मा नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वेद पुराण भी जिसका पार नहीं पाता, ये वही मेरे राम है। स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनको बड़े बड़े महात्मा सेवन करते हैं। बार बार शिव जी ने सती को कहा कि ये वही राम है, ये वही राम है, लेकिन सती के मन में संदेह बना ही रहा। तब जाकर के शिव जी ने कहा कि ठीक है, यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर के स्वयं परीक्षा ले लीजिए। सती जाती है परीक्षा लेने के लिए। कैसे जाती है? तो मन में विचार किया कि राम जी अभी रो क्यों रहे हैं, तो सीता के लिए रो रहे हैं, सीता का हरण हो गया है इसलिए रो रहे हैं। तो सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, लेकिन एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नरभूप। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उस रास्ते से आगे आगे चलने लगी, यही गलती कर दी।
क्योंकि सीता कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चली। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें शिक्षा देती है कि पत्नी को पति के पीछे पीछे रहना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, आगे राम लखन बन पाछे, 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 तापस वेश पिरा जत काछे, तापस वेश पिरा जत काछे, तापस वेश पिरा जत काछे, तापस वेश पिरा जत काछे। आगे राम लखन बन पाछे, आगे आगे राम जी हैं, उसके पीछे जानकी मैया है और उसके पीछे श्री लखनलाल जी हैं। सती ने सीता का वेश तो बना लिया लेकिन उनके आचरण को जीवन में नहीं उतार पाई। मुकुट पहन करके, सुंदर आभूषण पहन करके कोई सीता बन जाए ये अलग बात है, लेकिन जब आचरण में सीता का गुण हो तभी सीता बनना सफल होता। सती ने सीता का वेश तो धारण कर लिया लेकिन सीता का आचरण नहीं उतार पाई, वहां गलती कर बैठे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, सती ने जब सीता का वेश धारण कर लिया, ये बात किसको पता चला पहले? लक्ष्मण जी। पर लक्ष्मण जी देख करके भी शांत रहे क्योंकि उनको पता था मेरी मां सीता कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चल सकती, मर्यादा है। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, जो चंचल नारी है, जो व्यभिचारिणी स्त्रियां होती है, उसका स्वभाव जो है सो दिख जाता है। करम छुपे नहीं भभूत लगायो, और कोई सुंदर से तिलक लगा ले, उजला पीला कपड़ा पहन ले, पूरे देह में भभूत रमा ले, लेकिन यदि वो साधु नहीं है, उसके अंदर साधुपन नहीं है, साधुत्व तो नहीं है, तो अंत तक वो छुपता नहीं है। कैसे? जैसे रावण बाबा जी बन करके गया था सीता का हरण करने के लिए, लेकिन बाद में पता चल ही गया कि ये रावण था। काल नेमी गया हनुमान जी को ठगने के लिए, बाद में उसका असलियत छुपा नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो दाता होता है, जो दानी होते हैं, यदि वो भिखारी भी हो गए, गरीब भी हो गए, तो भी उनके देने की आदत है, वो कभी छुपते नहीं। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, और जो व्यभिचारिणियां स्त्रियां होती है उसका भी स्वभाव छुपता नहीं है। तो आज सती का भी असलियत छुपा नहीं। लक्ष्मण जी तो जान गए, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, उनके हृदय में आश्चर्य भी हुआ, लेकिन राम जी ने देखा तो राम जी क्या कहते हैं? हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। सती को तब भी समझ में नहीं आया कि ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं, लगा कि हो सकता है मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब यह पूछा, बिपिन अकेले फिर ही कहीं है तू, आप इस जंगल में अकेले क्यों घूम रही है, शिव जी कहाँ है? तब जाकर के सती को होश आया, हे भगवान, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। और भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः।
कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामांडवे उरमिला स्मृतिकीर्ति बरवाम चारि कुवर चारिहु कुवरे तुलसी करत प्रणाम। सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आये हनुमंत विराजी कथा करो मति अनुसार तुम सेवक रघुनाथ के पधारिये पवन कुमार पधारिये पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घनस्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री सीताराम भगवान श्री रामचरित मानस महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जू महाराज कलिपावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय पूज्य पाद तपो मूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सदगुरुदेव भगवान मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी कृपया हमारे देह में कोई ना सटे इस चीज का ध्यान रखा जाए। मेरे शरीर में कोई स्पर्श ना करे।
कथा पंडाल में उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं को मैं इस व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान की परम कृपा के फलस्वरूप आज हम आप सभी नव दिवसीय राम कथा के पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर अपनी श्रद्धा भाव के द्वितीय पुष्प चढ़ाने के लिए बड़े प्रेम और भाव से सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके भगवान के सुंदर नाम का गायन करेंगे। तत्पश्चात प्रभु की जैसे कृपा होगी कुछ देर भगवत चर्चा। सब माइक को एक बार खोल करके चेक कर लीजिए, बीच में ये आवाज जो हो रहा है नहीं होनी चाहिए। सबको खोलिए एक बार। सीताराम, श्री सीताराम, सब माइक खोलिए। इनका स्टैंड वाला माइक दीजिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय 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 सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए पतित पावन नाम जो महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
श्री तुलसीदास जू महाराज की, श्री मोनी बाबा की, इनर बावस्ती की, सब संत भगवान की, श्रोता समाज की, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय सियाराम, जय सियाराम। भगवान के नाम में, भगवान के जयकारा में कंजूसी नहीं चलेगी। और आप जो बोलिएगा कि नहीं महाराज जी हम तो नहीं बोलेंगे, तो जबरदस्ती बुलवाएंगे। इसलिए पहले से ही सतर्क रहिए, और इसमें हमारा कोई निजी फायदा नहीं है, इसमें आपका ही फायदा है। कैसे? आपने देखा होगा गांव में, घर में, परिवार में, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला करके पालने में सुला देती है, लेकिन जब उस बच्चा को पुनः भूख लगती है तो बार बार चिल्लाने लगता है माँ 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 कह करके। माँ विचार करती है कि अभी अभी तो इस बच्चा को दूध पिला करके आई हूं, अभी इतना जल्दी इसको क्या हो गया, थोड़ा घर का काम संभाल लेती हूँ, फिर जाकर के बच्चे को संभालूंगी। लेकिन जब वही बच्चा खूब जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो चाहे लाख जरूरी के काम हो, माँ का हृदय वात्सल्य से उमर पड़ता है और उस बच्चे को ले जाकर के हृदय से लगा लेती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी विचार करते हैं, जब कोई धीरे धीरे जयकारा बोलता है, जय हो जय हो जय हो, तो भगवान कहते हैं भैया केवल तुम, हमें और भी काम है, पहले उस काम को संभाल लो, फिर तुम्हें जाकर के संभालूंगा। लेकिन जब कोई भगवान का भक्त जोर से जय हो ऐसे जयकारा लगाते हैं, तो भगवान एक क्षण भी रुकते नहीं, दौड़ करके आते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग का उद्धरण किया है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, अति अनुराग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि राम अति अनुराग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, हे भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि। तीर्थराज प्रयाग कौन कौन गए हाथ उठा करके बताइए। तो तीर्थराज प्रयाग जो प्रयाग इलाहाबाद में पड़ता है, अब भाई ये भी कहना पड़ेगा कि भारत में पड़ता है, क्योंकि कुछ देर के लिए तो हम ये भूल जाते हैं कि हम नेपाल आए हैं। भारत में जो इलाहाबाद है वही तीर्थराज प्रयाग है, और तीर्थराज प्रयाग की एक अपनी महिमा है। वहां तीन तीन नदियों का जल एक साथ रहते हैं, इसलिए उसका नाम है त्रिवेणी संगम।
गंगा का जल, सरस्वती का जल और यमुना जी का जल। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा यमुना का जल तो दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती का जल लुप्त है, गुप्त है। उस तीर्थराज प्रयाग में एक बार श्री मदन मोहन मालवीय जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं BHU के, वो गए तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान करने। अपने पंडा जी को बोले, जो जिसके पंडित होते हैं, अपने पंडा जी को जाकर के बोले कि हमको तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना है। हम लोग जाते हैं तो संकल्प करते हैं ना, बिना संकल्प का स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपने पंडित जी से कहा कि पंडित जी शुद्ध शुद्ध संकल्प करवाइएगा, क्योंकि पंडित यदि विद्वान हो तब तो यजमान का कल्याण होता है, और यदि पंडित स्वयं विद्वान ना हो, शास्त्र का शब्द का ज्ञान ना हो, तो उस यजमान का कभी कल्याण नहीं होगा। क्योंकि अनुष्ठानिक कर्म जो होता है, अनुष्ठान के साथ जो कर्म किया जाता है, उसमें शब्द का बड़ा महत्व है। तो पंडित जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। जब बार बार श्री मदन मोहन मालवीय जी कहते थे कि शुद्ध शुद्ध बोलिएगा, शुद्ध शुद्ध बोलिएगा, पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसे यजमान के चक्कर में आज पड़ गए। पहुंचे तीर्थराज प्रयाग के तट पर, जैसे जल में प्रवेश किए, पंडित जी को रहा नहीं गया। पंडित जी ने कहा कि यजमान जी, जिस त्रिवेणी में आप प्रवेश किए हैं, वहां की सरस्वती ही यदि गुप्त है, लुप्त है, तो उस त्रिवेणी में शुद्ध और अशुद्ध का कौन विचार करे। मतलब जहां की सरस्वती ही गुप्त है, वहां शुद्धता अशुद्धता का कौन ज्ञान रखे भाई। ऐसे तीर्थराज प्रयाग के तट पर श्री भरद्वाज ऋषि रहते हैं। माघ महीने में प्रत्येक वर्ष वहां महात्माओं का संगम होता है। आप पकड़े रहिए सुर को, तो आपका हाथ बंद कर दिया। याज्ञवल्क ऋषि से श्री भरद्वाज ऋषि ने कहा, नाथ एक संशय बर मोरे। हे नाथ, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सबका पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। याज्ञवल्क ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में बैठा, सोई राम है सबका पसारा, सोई राम है सबसे न्यारा। सब राम एक ही है, केवल चश्मा अलग अलग है। जिस रंग का चश्मा पहनेंगे पानी का, वैसा रंग दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार राम तो एक ही है, लेकिन भगवान को जब जैसा लीला करना हुआ, तब भगवान ने वही रूप धारण कर लिया। कहते हैं इसी प्रकार एक बार सती ने भगवान शिव से संदेह पूर्वक पूछा था। ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा, जो जगत की जननी है मां सती, क्या उनको भी संदेह हो सकता है? बोले हाँ। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय था। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, और द्वापर के बाद कलयुग आता है। हम लोग अभी कलयुग में हैं। त्रेता युग का समय था। भगवान शिव को एक बार कथा सुनने की इच्छा हुई, तो कहां चले?
एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती नियम है श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन यहां उल्टा हुआ। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़ करके दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि के आश्रम में गए तो संग सती जगजननी भवानी, अकेले नहीं गए, संग में जगत की जननी मां सती भी थी। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शिव और मैया पार्वती की पूजा करते हैं। नियम क्या है? नियम यह है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, लेकिन आज उल्टी गंगा बहने लगी, वक्ता ही श्रोता की पूजा करते हैं। ये देख करके सती मैया के मन में संदेह हुआ, ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो पहले से ही हाथ पैर जोड़ रहे हैं। जिस महात्मा के पास हमारे शिव कथा सुनने आए हैं ये तो पहले से ही हाथ पैर जोड़ रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। और भैया जिससे कथा सुन रहे हैं उसके प्रति यदि मन में निष्ठा नहीं होगी तो चाहे कितनी भी सुंदर कोई कथा कहे, कथा पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं। ये उनका वैशिष्ट्य है, ये उनका बरप्पन है। यदि कोई महान होकर के भी, श्रेष्ठ होकर के भी हमारा पैर छूता है, प्रणाम करता है, तो ये उनका बरप्पन है। वक्ता होकर के श्री अगस्त ऋषि ने भगवान शिव की पूजा की, यह विचार करके कि शंकर भगवान तो संसार के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, और आज मेरे द्वार पर आए हैं, मेरे आश्रम में आए हैं, तो ये मेरा भाग्य है। पैर पकड़ करके पूजा करने लगे। सती के मन में मोह हो गया, यहीं से मोह का जन्म होगा। जैसे संदेह होगा तो मोह उत्पन्न होता है। कथा प्रारंभ हुई, शिव जी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन सती को समझ में नहीं आया। पूरी कथा हो गई, भगवान शिव सुनते रहे, लेकिन सती को कुछ समझ में नहीं आई। जब कथा पूरी हो गई तो नियम है कि जिससे कथा सुने हैं उसे दक्षिणा दी जाती है। शिवजी ने मन में विचार किया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, केवल भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जो सबसे बड़े दानी और सबसे बड़े फक्कर है। उनसे बड़ा फक्कर कौन हो सकता है? पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन लोगों को देने के लिए खूब है। मन में विचार आया कि वक्ता बैरागी है, संत है, तो संत को भगवान से ज्यादा प्यारा क्या हो सकता है। इसलिए ऋषि पूछी, हरि भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। अगस्त ऋषि ने भगवान की कथा पूछी और शिवजी ने भगवान की कथा सुनाई, बड़े प्रसन्न हुए। मुनि सन विदा मांगी, त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब तुलसीदास जी के भाव को जरा देखिए।
जब शिव जी के साथ सती आई थी तो क्या कहा? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी कह करके संबोधन किया। लेकिन जब जाने लगी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी, बोले नहीं, जिसने कथा नहीं सुना, जिसको हमारे राम से प्रेम नहीं है, वो जगत की जननी नहीं हो सकती। जब जा रहे थे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर, इसी बीच एक घटना घटी। राम जी अपने पिता की बात को मान करके जंगल आए थे। रावण ने सीता का हरण कर लिया। राम जी नाटक करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, लीला करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी को रोते देख करके सती को मोह हुआ, पर राम जी के इस लीला को देख करके शिव जी को प्रेम हो गया। कैसा प्रेम? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव जी कहते हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी लीला बड़ी निराली है। एक ऐसे राजकुमार जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे थे, उनको देख करके शिव जी ने प्रणाम किया, क्योंकि शिव जी के नजर में राम जी ईश्वर है, राम जी भगवान है, पर सती के नजर में वो एक राजकुमार है। सती को बड़ा आश्चर्य लगा कि शिव जी ने एक राजकुमार को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद भगवान कह करके। लेकिन बेचारी करती क्या, सती ने शिव से पूछ ही दिया कि महाराज ये कौन है, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। जिस राम को महात्मा नेति नेति कह करके पुकारते हैं,
वेद पुराण भी जिसका पार नहीं पाता ये वही मेरे राम है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, जिनको बड़े बड़े महात्मा सेवन करते हैं। बार बार शिव जी ने सती को कहा कि ये वही राम है, ये वही राम है, लेकिन सती के मन में संदेह बना ही रहा। तब जाकर के शिव जी ने कहा कि ठीक है, यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर के स्वयं परीक्षा ले लीजिए। सती जाती है परीक्षा लेने के लिए। कैसे जाती है? तो मन में विचार किया कि राम जी अभी रो क्यों रहे हैं, तो सीता के लिए रो रहे हैं, सीता का हरण हो गया है इसलिए रो रहे हैं। तो सती ने सीता का वेश धारण कर लिया, लेकिन एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? पुनी पुनी हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही जही आवत नरभूप। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे उस रास्ते से आगे आगे चलने लगी, यही गलती कर दी। क्योंकि सीता कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चली। ये हमारा सनातन धर्म है, हमें शिक्षा देती है कि पत्नी को पति के पीछे पीछे रहना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, आगे राम लखन बन पाछे, 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 तापस वेश बिरा जत काछे, तापस वेद बिरा जत पाछे, तापस वेश बिरा जत काछे, तापस वेद बिरा जत काछे। आगे राम लखन बन पाछे, आगे आगे राम जी हैं, उसके पीछे जानकी मैया है और उसके पीछे श्री लखनलाल जी हैं। सती ने सीता का वेश तो बना लिया, लेकिन उनके आचरण को जीवन में नहीं उतार पाई। मुकुट पहन करके, सुंदर आभूषण पहन करके कोई सीता बन जाए ये अलग बात है, लेकिन जब आचरण में सीता का गुण हो तभी सीता बनना सफल होता। सती ने सीता का वेश तो धारण कर लिया, लेकिन सीता का आचरण नहीं उतार पाई, वहां गलती कर बैठी।